अस्सलाम वालेकुम मैम फजीला स्टार्ट कर सकती हूँ। ओके मैम, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी क्या बात है, स्क्रीन शेयर हो रही है मैम? नो मैम नो मैम। अब जी मैम ओके मैम, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। ये मेरा पहला क्वेश्चन है जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। तो इट्स अबाउट द मैक्सिमम प्रोडक्ट डिफरेंस बिटवीन टू पेयर्स। तो द प्रोडक्ट डिफरेंस बिटवीन टू पेयर्स ए बी एंड सी एंड डी इज डिफाइंड एज, जब हमें एक प्रोडक्ट डिफरेंस चाहिए होता है टू पेयर्स के दरम्यान में, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जो हमारे पास दो पेयर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी का एक पेयर है और सी डी अगला पेयर है, हम इसको ऐसे लेंगे जिसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए इंटू बी माइनस सी इंटू डी। द एक्सक्यूज मी मैम, आई एम सॉरी, द प्रोडक्ट डिफरेंस, तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट डिफरेंस बिटवीन 5, 6 एंड 2 एंड 7 इज 5 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 16। इसमें क्या होता है, हमें एक एरे दिया होता है नंबर, जिसमें हमारे पास इंटीजर नंबर्स होते हैं। तो उसमें हमें क्या करना होता है, जो 4 डिस्टिंक्ट इंडेक्सेस को चूज करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो हमने चूंकि का प्रोडक्ट डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम इसको पेयर्स में ले लेते हैं, जिसे हमारे पास नंबर्स ऑफ डब्ल्यू एंड नंबर्स ऑफ एक्स हैं और नंबर्स ऑफ वाई एंड नंबर्स ऑफ जेड हैं। तो ये हमें क्या देता है, हमें बता रहे हैं कि ये हमें मैक्सिमम आउटपुट देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल नंबर 1 के पास आते हैं, इसमें जो है हमारे पास एक एरे है जिसमें हमारे पास इंटीजियर नंबर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमने जब ये दिया तो इसका आउटपुट हमारे पास 34 आया है। कैसे, यहाँ पे हम जब चूज करते हैं, हम जो है इसमें से 1 और 3 को चूज किया हमने, और जो हमारे पास फर्स्ट पेयर है 1 और 1 पे हमारे पास 6 आ रहा है और 3 पे हमारे पास 7 आ रहा है, और जो दूसरा है दूसरा पेयर जो है वो उसमें हमने 2 एंड 4 चूज किए, 2 पे हमारे एक्सक्यूज पास। मी, यस एक्सक्यूज मी मैम, मैम, साथ साथ यस थोड़ा सा अपना कर्सर मूव करते जाएं या एनोटेट करते जाएं ताकि पता चले आप कहाँ पे कर रही हैं ना। इट्स ओके मैम, आई एम सॉरी। ओके ये एक्सप्लेनेशन, जब हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया, हमने इनको इनपुट दिया। ओके, ये हमारे पास एक एरे है नम्स का, जो इंटीजर्स का। तो ये कह रहा है हमारे पास जो आउटपुट आया है वो 34 आया है। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, तो ये कहते हैं कि हमने जो है जो इंडेक्सेस है 1 और 3 हमने चूज किए फर्स्ट पेयर के लिए, ठीक है। तो 1 पे हमारे पास चूंकि 6 आ रहा है और हमारे पास 3 पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पेयर बन गया। और अब जो है दूसरे पेयर के लिए हमने 2 एंड 4 लिया, 2 पे हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 4 पे हमारे पास क्या, 2 एंड 4 आ रहा है, 2 पे हमारे पास ये 2 आ रहा है और 4 पे हमारे पास 4 है। तो हमने इनको, जिसे हमने ऊपर पढ़ा कि हमने कैसे फाइंड करना है, हमने इस फॉर्मूला के हम फॉर्मूला कह देते हैं, इसके थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है कि हमने 6 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 4 लिया, इसका आउटपुट हमारे पास क्या आया, मैक्सिमम आया 34। दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक एरे लिया नम्स का, इंटीजर्स का, इसका आउटपुट ये हमें बता रहे हैं कि 64 आया हुआ है, ठीक है। सेम उसी तरह हमने क्या किया, एक 3 सेलेक्ट किया और एक 4 लिया, ठीक है, कोई भी पेयर, हम लोगों ने इसमें से 2 पेयर्स बनाने हैं, ठीक है।
तो एक में हमने 3 लिया और अगले में हम लोगों ने क्या लिया, 6 लिया. तो 3 पे हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है. और मतलब दो बड़े, पहले दो बड़े इनटू वैल्यूज लेने हैं जो सबसे बड़े वैल्यूज है. जैसे कि हमारे पास सबसे बड़ा इसमें क्या है, 9 है, और दूसरे नंबर पे क्या है, 8 है. इनका पेयर लिया, फिर दो स्मॉलेस्ट नंबर का पेयर लेना है, बनाना है. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है, और उसके बाद क्या है, 4 है. तो दो बिगेस्ट और दो स्मॉलेस्ट का नंबर्स का हम लोगों ने पेयर बना लिए. इन दोनों के दरमियान जो हम लोगों ने सम मालूम किए, और क्या क्योंकि एक्चुअली माइनस सम और माइनस को ये. यस मैम, यस मैम, जो एक्सक्यूज. एग्जांपल एग्जांपल 1 में आपने 5 का नहीं बताया, इसको क्यों नहीं लिया, ये थोड़ा सा बताएं, 5 का इसमें वो नहीं है। देखिए ये है हमारे पास, हम लोगों ने जो है दो पेयर्स लेने हैं, दो बड़े वैल्यूज और दो छोटे वैल्यूज के, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, और फिर क्या है, 4 है, तो इसलिए हमने लिया. और फिर हमारे पास सबसे बड़ा वैल्यू 6 है, और फिर 7 है, फिर 6 है. तो 5 जो है वो इन बिटवीन नंबर है, ना वो उन दो स्मॉलेस्ट नंबर्स में से आ रहे हैं वो, ना और दो बिगेस्ट नंबर्स में से आ रहे हैं, जी सही है, ठीक है। ठीक है. तो इसी तरह हमने यहाँ पे भी इसी तरह किया कि दो बिगेस्ट नंबर और दो स्मॉलेस्ट नंबर्स के जो हम लोगों ने यहाँ पे पेयरिंग की, फिर उन पे वही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया. इन दोनों के दरमियान हम लोगों ने सम का निशान लगाया, और फिर हमने क्या किया, इनको इस फॉर्मूला जो ये इस ये फॉर्मूला जो हमने इस पे अप्लाई किया, तो हमारे पास इसका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आया 64. तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम मैक्सिमम प्रोडक्ट डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं बिटवीन टू पेयर्स के. और कोडिंग पे अभी मैं काम कर रही हूँ, और मैं खुद जो है कोड जनरेट नहीं कर पा रही. इंशाल्लाह जब मैं वो सीख जाऊंगी तो वो भी मैं प्रेजेंट कर लूंगी. थैंक यू. अगर कोई क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड. किसी को कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? नो मैम, नो मैम. मैम मैं स्क्रीन शेयर करना ऑफ कर दूँ? जी मैम, मैम कोई और प्रेजेंट करना चाहे। मैं फिर अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, जो 2 मिनट है। अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, जो इससे पहले क्वेश्चन था, इसका कोड कंप्लीट कोड लिखा हुआ था? वो जो कंप्लीट ही मैंने था. शेयर, हाँ जी, जी वो कंप्लीट वेदर था से वो आपके. कंप्लीट। ओके. अच्छा, काइंडली अगर आप चैट में शेयर कर दें क्वेश्चन का लिंक. ओके सर, मैं शेयर करती हूँ। थैंक यू. मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको, और मेरी ऑडियो भी वॉइस आ रही है सबको? यस मैम, यस यस मैम. मैम। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो उसका कोड
जो नंबर है लीड कोड नंबर 1929 है, कंकैटिनेशन ऑफ एरे, कंकैटिनेशन मतलब टू एरेज को कंबाइन करना या प्लस करना, उसको कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कोड में स्टेटमेंट में क्या क्या रहा है। गिवन एन इंटीजर एरे, एक इंटीजर एरे दी है जिसका नाम है नम्स, यहाँ पे इनपुट में, और जिसकी लेंथ है एन, ठीक है। यू वॉन्ट टू क्रिएट एन एरे आंस ऑफ द लेंथ ऑफ टू एन, मतलब कि जो हमें एक लेंथ दी गई है ये, इसकी हमने डबल लेंथ, हमने जो आंसर हमारा है ना ये इसका डबल, ठीक है। इसमें अगर थ्री, इसकी लेंथ थ्री है तो हमारा जो आंसर है वो सिक्स हो, सिक्स लेंथ का आंसर हो, और इस मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। और जो आगे लिखा हुआ है कि जो जीरो है, जो आई है वो स्टार्ट ही जीरो से हो, और वो जो है स्मॉलर देन हो नम से, मतलब जीरो इंडेक्स से उसका आई स्टार्ट हो, मतलब लाइक के जो हमारी नम्स आई है ये, उसका वो इक्वल हो आंसर के, और उसके अलावा जो नम्स आई है उसमें प्लस, आंस आई है, सॉरी आंसर आई है उसके अंदर प्लस एन हो, और वो इक्वल हो नम्स आई के, ठीक है। और जो आई है इसमें वो इक्वल हो जीरो के, वो स्टार्ट ही जीरो से हो। तो हम यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें इसने लास्ट में इनपुट में हमें उसने दिया है नम्स, एक एरे दिया है जिसके अंदर उसके पास ना थ्री लेंथ है, जिसकी थ्री लेंथ थ्री है, और हमने उसका वो चाहता है कि हमारे पास आउटपुट आए उसकी डबल लेंथ हो, मतलब कि ये जो लेंथ है थ्री है और जो हमारे पास आउटपुट आए वो लेंथ हो सिक्स उसकी, ठीक है। इसी तरह एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसकी लेंथ है फोर, और जो हमारे पास आउटपुट आएगा उसकी लेंथ एट होगी, मतलब उसकी डबल होगी। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, उसने हमें एक एरे दिए, नम्स, और इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास है थ्री, ठीक है, और इसका इंडेक्स नंबर जीरो है, इसका इंडेक्स नंबर वन है, और इसका इंडेक्स नंबर टू है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। और ये हमारे पास एक आंसर एरे है, और इसके अंदर हमारे पास सिक्स, और मैं आउटपुट में सिक्स लेंथ हो इसकी। और ये हमारे पास आंसर, इसकी इंडेक्स नंबर जीरो, सॉरी ये सिक्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब वो हमें कह रहा है कि जो हमारे पास नम्स आई है वो इक्वल हो लेंथ नम्स आंसर आई के, और जो हमारे पास नम्स आई है उसका वो हमें बता भी रहा है कि आई जो है ना वो प्लस वन हो एन के, मतलब लाइक आई हमारे उसके अंदर ना प्लस हो एन। तो हमारे पास इस वक्त आई की वैल्यू, हमारे पास उसने कहा था स्टार्ट जो हो ना आई वो जीरो से स्टार्ट हो, तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या है जीरो, और एन की वैल्यू हमारे पास क्या है थ्री। तो जीरो प्लस थ्री हमारे पास क्या आता है आउटपुट, हमारे पास आता है थ्री, ठीक है। तो थ्री आता है, और वो उसने कहा है कि वो इक्वल हो नम्स और आई, नम्स आई के। तो जो हमारा नम्स आई का जो आइटरेटर है वो इस वक्त कहाँ पे है, वो हमारे पास इस वक्त जीरो पे है, क्योंकि वो स्टार्ट ही जीरो से कर रहा है नम्स आई। आइटरेटर जीरो से स्टार्ट करेगा तो वो आगे जाएगा रन होगा, तो नम्स आई है उसके पास, हमारे पास आई पे क्या वैल्यू है उसके पास, लाइक नम्स जीरो पे आइटरेटर यहाँ से मूव करेगा, जीरो से इंडेक्स नंबर जीरो से मूव करेगा और आगे जाएगा, और जीरो पे हमारे पास उसके पास क्या वैल्यू है वन, और जो हमने यहाँ पे देखा है और वो जो वन है वो, और यहाँ पे हमने कहा है जीरो प्लस वन जो मतलब आइटरेटर है आंसर के अंदर, जो जीरो ये आंसर के अंदर जो आइटरेटर मूव करेगा वो उसकी लेंथ में, उसमें प्लस कर दो थ्री को, लेंथ को प्लस, जो लेंथ है हमारे पास उसकी वो प्लस कर दो, और अब हमारे पास थ्री है, मतलब इंडेक्स नंबर जीरो पे हमारे पास सॉरी
सबको? यस मैम। इंडेक्स नंबर 1 पे, 0 पे हमारे पास ना जो यहाँ पे ये पहले तो हमने नम्स फुल पुट कर देंगे ना यहाँ तक, क्योंकि उसने हमें यहाँ पे दिया भी हुआ है फर्स्ट में, हमने नम्स आई जो हमने फुल पुट करनी है तो हमें यहाँ तक वो फुल दे देगा, और नेक्स्ट जो आगे है ना वो हमें देखेगा तो इधर तक तो फुल पुट कर देगा। उसके बाद हमारे पास जो नम्स 0 पे है, इधर जो 0 पे जो वैल्यू है हमारे पास, इंडेक्स नंबर 0 पे हमारे पास वैल्यू है 1, तो जो इंडेक्स नंबर 3 पे हमें वही वैल्यू पुट करवा देगा, ठीक है? क्योंकि स्टार्ट में तो मैं वो पुट करके दे दिया जो ये वाली वैल्यू थी, क्योंकि उसने यहाँ पे बताया भी है कि जो नम्स आई है, आंसर आई जो है ना उसके अंदर नम्स आई की वैल्यू स्टोर होगी ये वाली, और देन उसके बाद जो आगे उसके बाद ये बाकी जो ब्लॉक्स रह जाएंगे उसके अंदर आई के अंदर जब नम्स जो लेंथ 3 को प्लस करेंगे जो उसका आउटपुट आएगा हमारे पास वो उसके आगे स्टोर होता जाएगा, ठीक है? यहाँ पे स्टोर होगा। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आई है, इंडेक्स नंबर 3 पे हमारे पास इस इंडेक्स की, नम्स इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास स्टोर हो जाएगी। नम्स इंडेक्स 1 पे, 0 पे हमारे पास वैल्यू है 1, तो वो यहाँ 1 स्टोर करवा देगा। देन अब आइटरेटर जो है वो मूव उसमें प्लस हो जाएगा, एड हो जाएगा 1, 1 प्लस 3 हमारे पास आएगा 4 आउटपुट, और जो यहाँ पे आइटरेटर मूव ये आगे इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास नम्स की आइटरेटर हमारे पास इस वक्त पड़ा है इंडेक्स नंबर 1 पे, और 1 पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 2, 2 ही है ना हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 पे हमारे पास 2 वैल्यू है, तो वो कहाँ जाके सेव होगी, ना आंसर के इंडेक्स नंबर 4 पे हमारे पास जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देन वो इसी तरह मूव करेगा, यहाँ पे 2 प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, मतलब इंडेक्स नंबर 5 आंसर का इंडेक्स नंबर 5 ये, यहाँ पे अब इंडेक्स नंबर जो नम्स का इंडेक्स नंबर 2 है उसके अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 1 थी, तो वो यहाँ पे आके इंडेक्स नंबर 5 पे आंसर के यहाँ पे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। कोई भी समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। किसी को क्लियर नहीं है तो बता दे। किसी को भी नहीं है। मैम बेसिकली हमने अपने नाम्स का डुप्लीकेट ही लेना है ना। जी, हमने उसमें कंकैटिनेट करना है, ऐड करना है, जो हमारे पास एक एरे हमारे पास दी गई है उसी को हमने डबल करके हमें वो आगे इसको आउटपुट देना है उसको। यहाँ पे 1 2 1 ये थी, और हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, 1 2 1 और फिर 1 2 1, मतलब नम्स का डबल नम्स दे रहे हैं हम, एरो को एरे डबल करके दे रहे हैं उसे। यस मैम, आई गॉट योर पॉइंट, थैंक यू। हमारे पास एक एरे है जिस उसके अंदर वेरिएबल्स नंबर स्टोर है इंटीजर, और उसकी लेंथ क्या है हमारे पास 3, और जो 3 है वो एन के इक्वल है, यहाँ पे हम उसको एन से डिनोट करेंगे, और ये हमारे पास नाम्स है, ठीक है? और हमारे पास एक आंसर आ रहा है, और अब हमने से कहा है कि ठीक है, अब हमने उसे क्या कहा है कि हमारी जो नम्स एरे है ना वो इक्वल हो आंसर एरे की, मतलब कि ये जो ये है ना सारी की सारी वैल्यू नम्स एरे की वो इसके अंदर जाके स्टोर हो जाए, ठीक है? 1 2 1, ठीक है? और नेक्स्ट और क्या हो उसके बाद लिखा भी हुआ एंड, और उसमें क्या हो जो नम्स है ना उसके अंदर आई आइटरेटर जो आई है वो प्लस कर दे, और जैसे जैसे मूव होता जाएगा और जो उसके पास वैल्यू होगी उसके अंदर वो प्लस कर दे हमारे पास लेंथ को, और वो इक्वल कर दे नम्स नम्स इंटीजर के, ठीक है? नम्स एरे के। तो अब इसमें हमें बताया भी हुआ ये वाला करना है, तो आई की हमारे पास इस वक्त वैल्यू आई कहाँ पे है, नम्स का आई जो है ना इधर, तो आई हमारे पास आई की वैल्यू उसने इनिशियली हमें 0 ही दी है, उसने कहा है वो 0 हो और वो स्मॉलर भी हो, किससे, एन से, लेंथ से हमारी स्मॉलर हो, तो 0 प्लस 1
क्या होता है, 3, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 3। और वो आई नम्स आई जो है इस वक्त मूव कर रहा है यहाँ पे, तो नम्स आई जो आइटरेटर है वो मूव कर रहा है, उसके पास अब वैल्यू यहाँ पे है वो इस वक्त, ठीक है। और उसके पास इस वक्त वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। और वो 1 कहाँ सेव सेव करवाएगा, अब नम्स जो है ना, नम्स आई को इक्वल है 1 के, ठीक है, तो वो कहाँ सेव करवाएगा, इंडेक्स नंबर 3 के आंसर के, जो ये आंसर एरे है इसके इंडेक्स नंबर 3 यहाँ पे है, इसके अंदर ये सेव करवा देगा जो यहाँ पे इसकी वैल्यू की 1, ठीक है। नेक्स्ट वो आइटरेटर जो है ये मूव करेगा आंसर के अंदर, तो अब उसके पास वैल्यू क्या होगी, 2, सॉरी 1 होगी, 0 था, नेक्स्ट 1 हो जाएगी, और 1 के अंदर 3 प्लस करेंगे तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आया, 4, मतलब इंडेक्स नंबर 4 पे इधर। और नम्स आई जो है इसमें फिर एक आगे ऐड हो जाएगा, अब ये नम्स आई जो है वो यहाँ पे मूव कर रहा है, तो अब इसकी वैल्यू क्या है, 2, तो जो 2 है इस एरे के इधर 4 इंडेक्स नंबर पे जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पे 2 प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 5, तो 5 इंडेक्स नंबर पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे फिर मूव होगा ये कर्सर, नम्स जो है आइटरेटर यहाँ पे होगा, अब आई की यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1, तो 1 जो है वो यहाँ पे आंसर के इंडेक्स नंबर 5 पे जाके वो सेव हो जाएगी, और इस तरह हमारे आउटपुट आ जाएगी। सबको अब समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, यहाँ पे हमने कोड देखते हैं, तो यहाँ पे उसने कहा है नम्स एक्सटेंड हो जाए नम्स के साथ, मतलब जो नम्स है एरे के उसके अंदर ऐड हो जाए दूसरी नम्स, यही नम्स दोबारा ऐड हो जाए उसके अंदर और हमारे पास आउटपुट आ जाए, वो रिटर्न कर दे। और ये बहुत छोटा सा कोड है, आई थिंक सबको समझ आता हो, पता होगा कि एक्सटेंड किस तरह यूज होता है, सबको पता है? यस मैम, अपेंड में एक एलिमेंट हम डाल सकते हैं एट द एंड, और जो एक्सटेंड होता है उसमें हम पूरी एरे या लिस्ट दे सकते हैं। जी, अब हमने उसे कहा है कि नम्स के अंदर हमें नम्स ही ऐड करके दे दो, तो जो हमारे पास आउटपुट आए वो हमें नम्स में ऐड कर दो, और वो रिटर्न कर दो तो वो हमें रिटर्न कर देगा, इस तरह ये सब तो यूज होगा। तो आपसे कुछ समझ आ गई होगी? यस मैम, इजी है। अब किसी और कोई और प्रेजेंट करना चाहे तो कुछ बता दे, वरना फिर मैं कोई प्रेजेंट करना चाहते हैं? अगर कोई नहीं है तो फिर मैं कर लेता हूँ, वरना कोई और कर ले। मैम जुनैरा का क्वेश्चन है, मैम जुनैरा आप कहाँ से समझ नहीं आई? मैम आ गई थी, आपने दोबारा जब रिपीट किया था। जी सर आप करते हैं प्रेजेंट। जी सर आपके पास साइट्स हैं, आप उसमें शेयर कर सकते हैं। कोई इजी टाइप करना चाह रहे हैं क्या? एरे वाला कर लेते हैं ना, अभी एरेज के ऊपर बात हो रही तो एरे वाला ही कर लेते हैं। जी सर अच्छा, तो इसमें खोलूं। अच्छा, भाई तो क्वेश्चन पढ़ लें आप लोगों। ये फॉन्ट सही है? बड़ा बड़ा तो नहीं करूं? तो थोड़ा बड़ा कर दें, बहुत छोटा है। ठीक yes, नाउ विजिबल, थैंक यू।
अच्छा भाई, बेसिकली वो कह रहे हैं कि जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे, तो जीरो इंडेक्स का तब तक हम लोग को मतलब समझ में आ गया कि जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसकी काउंटिंग, सही है। तो वी हैव टू रीअरेंज द वैल्यूज ऑफ नम्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स, सही है जी। सबसे पहले वी हैव टू सॉर्ट द वैल्यूज एट ऑड इंडेक्सेस, तो जो ऑड वाले नंबर्स हैं उसके इंडेक्स के मुताबिक हम लोगों ने उनको सॉर्ट करना है इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सही है। तो इसका मतलब है कि जी डिसेंडिंग ऑर्डर बेसिकली, नॉन इंक्रीजिंग इज एन अदर वे टू से डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। फिर जो है जैसे कि यहाँ पे नम्स जो है ये वाला इन्होंने 4 1 2 3 था, तो उसको उन्होंने सॉर्ट कर दिया 4 3 2 1 कर दिया, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जी जो ऑड वाली जो वैल्यू होगी जैसे कि 1 3 7 इस तरह की जो ऑड वैल्यूज हैं वो ऑड नंबर वाले इंडेक्स पे होना चाहिए, सही है। तो फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग देखें यहाँ पे तो 3 जो है वो 1 के ऊपर है, तो 1 इज एन ऑड नंबर, सही है। 1 जो है वो थर्ड इंडेक्स के ऊपर है, 0 1 2 3, तो 3 इज अ ऑड नंबर और 1 भी ऑड नंबर है, तो ऐसे करके सॉर्ट हुआ, सही है जी। फिर दूसरा काम वो कह रहे हैं कि जो करना है हमने वो ये कि इवन इंडेसेस वाला जो है वो इवन वाले पे होने चाहिए, सही है, बट असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है कि जी असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो जो ऑड वाले हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो इवन वाले हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा, सही है। इवन वाले जो है जैसे 2 4 6 उनको छोटे से बड़ा करना है, और जो 1 3 7 इस टाइप के जो 5 इस टाइप के जो नंबर्स हैं उनको हम लोग ने बड़े से छोटे पे लेके आना है, सही है भाई। एवरीबडी इज क्लियर ऑन दैट, ठीक है। फिर उसके यस बाद एंड में जो यस करना है सर, वो एंड में जो हमने करना है वो हमने उसको रिटर्न करनी है अरे इस तरह से, जब हमने रीअरेंजमेंट कर ली है अपने आइटम्स की, तो हमने उसको इस तरह से एंड में उसको रिटर्न करना है, ठीक है। इसमें जो सेकंड में है वो है 4 1 2 3, फिर वो जो बिकम्स बन जाता है 2 1 4 3 1, पहले क्यों नहीं है? क्योंकि वो कह रहा है कि ये देखो, वो कह रहा है कि उसको नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, नॉन इंक्रीजिंग का मतलब है डिसेंडिंग में, जी सही है। तो जी जो वो कह रहा है कि जो ऑड वाले नंबर्स हैं उनको दो काम करने हैं हमने, हम लोग को जो लिस्ट दी हुई होगी ना जिसके अंदर नंबर्स पड़ोगे वो अरेंज नहीं हुए हुए होंगे, वो जम्बल अप पड़े हुए होंगे, जब मतलब कि कोई बड़ा छोटा आगे पीछे पड़े होंगे, सही है। तो वो कह रहा है कि हमने दो काम करने हैं उसमें, एक तो जो उसके अंदर जो भी ऑड नंबर्स होंगे, जो कि ऑड नंबर जैसे कि 1 होता है, ऑड नंबर 3 होता है, 7 होता है, मतलब जो भी नंबर 2 का डिविजिबल नहीं है, वो नंबर जो है एक तो वो अपने जो उसका इंडेक्स नंबर है वो भी उस पर होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल 1 इंडेक्स नंबर है तो उसके ऊपर ऑड नंबर ही होना चाहिए, सही है। और फिर दूसरी बात ये कि अगर तो वो ऑड वाला नंबर है तो उसको जो है आपने बड़े से छोटा सेम लिस्ट के अंदर बड़े से छोटा पे रखना है, और जो इवन वाले हैं जैसे 2 या 4 उनको आपने छोटे से बड़े पे रखना है, सही है। तो अब वो देखो, पहले उसने ये काम किया, उसको 4 3 2 1 कर दिया। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि 0 एक इवन नंबर है, 0 के ऊपर 2 लेके आ गया, ऑड वाला जो इंडेक्स हमारा यहाँ पे ये 1 इंडेक्स है, 1 के ऊपर 1 आ गया। फिर जो हमारा सेकेंड इंडेक्स है उसके ऊपर 4 आ गया, तो बट आप ये नोट करेंगे पहले 2 आया फिर उसके बाद 4 आया, तो ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटे से बड़े पे जा रहा है, ठीक है। मीन्स के सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, मीन्स के जो इंडेक्सेस होंगे अगर इवन है तो नंबर भी इवन होने चाहिए, और अगर इंडेक्सेस ओड हैं तो नंबर भी ऑड होने चाहिए, बिल्कुल ऐसा? ये है। और दूसरे जो काम करना है वो दूसरा वो ये करना है कि अगर तो नंबर ऑड है और वो ऑड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है तो उसको आपने जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, बड़े से छोटे पे लेके जाना है। और अगर इवन है तो एक तो वो इवन वाले इंडेक्स पे पड़ा हुआ होना चाहिए, और दूसरा वो जो है छोटे से बड़े पे जाना चाहिए, सही है। और जैसे यहाँ अच्छा, पे एग्जाम्पल वन जी जी बोले, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो होगा वो छोटे से बड़े में जाएगा, और नॉन डिक्रीजिंग में बड़े से छोटे में, ऐसी है? नॉन नहीं, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है अपना असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, और नॉन इंक्रीजिंग का मतलब है बड़े से छोटा, सही है। तो ओके ये आपको और भी आप लीड कोड में क्वेश्चंस करेंगे ना तो वो हर जगह वो बजाए कि असेंडिंग डिसेंडिंग लिखें,
उन्होंने ये लिखा हुआ होता है, बस वो ऐसे ही आई थिंक कंफ्यूज करने के लिए बस फजूल में। सही है, तो अब से आपने बस याद कर लें, आपके जहाँ पे भी नॉन इंक्रीजिंग लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब ये है कि भाईजान वो डिसेंडिंग में है, और जहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब है कि असेंडिंग में, छोटे से बड़ा, और नॉन इंक्रीजिंग जो है वो बड़े छोटा। इंक्रीज का मतलब क्या है कि बढ़ रहा है ना, तो वो नॉन कह रहा है कि मतलब वो उसको बढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने का उल्टा, तो छोटा हो रहा हो। सही है, तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, बड़े से छोटा हो रहा होता है। ठीक है जी, सही है। तो फिर अब यहाँ पे एग्जाम्पल वन में आप देखो नम्स की जो उसने लिस्ट दी हुई थी 4, 1, 2, 3, सही है। तो इसमें जो है पढ़े, इसमें वो अपने इंडेक्स के ऊपर तो सही पढ़े हुए हैं, वो लोग पहले से ही सही पढ़े हुए हैं, सही है, बट 4 जो है वो पहले आया हुआ है और 2 जो है वो बाद में आया हुआ है। तो उसने हमको कहा था कि इवन अगर वो नंबर है तो हमें उसको असेंडिंग में करना है, छोटे से बड़ा करना है, तो फिर 2 पहले चला गया और 4 बाद में आ गया। सही है, फिर दूसरा यहाँ पे जो काम हुआ हुआ था कि 1 अपनी सही ऑड वाले इंडेक्स पे पढ़ा हुआ था, बट उसने हमको कहा था कि उनको बड़े से छोटे पे लेके, छोटे से बड़े पे, बड़े से छोटे पे लेके जाना है, सॉरी। तो वो जो बड़े से छोटे पे जो है, तो फिर यहाँ पे वो देखो आप, उसने 3 को पहले लेके आ गया और 1 को बाद में लेके आया। ठीक है भाई, सब बड़े छोटे में कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? सही है ना सब भाइयों बहनों, कोई कंफ्यूज तो यस नहीं हो रहा बड़े छोटे में? बस समझ गए सब, यस यस ओके जी, डन है। सो अब पाइथन में जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए काम आसान है। एक वो होता है जो हमें, जिसका पता है, लिस्ट स्लाइसिंग, सही है। तो इसमें जो है हम लोग लिस्ट स्लाइसिंग का हम लोग फायदा उठा सकते हैं। तो एक तो चीज जो हमें नजर आ रही है वो ये है कि वो कहाँ गया एनोटेट वाला, ये है एक तो चीज हमें नजर आ रही है कि भाई हर दफा जो है ऑड के लिए, ऑड हो या इवन हो जो भी हो, उसके लिए हमने दो दो जंप मारनी है, मतलब एक नंबर स्किप करना है ही ना, ऐसा ही है ना, एक एक नंबर स्किप कर रहे हैं दोनों के लिए हर दफा। ये दूसरी इसमें में हम नीचे वाले में देखते हैं, अच्छा इसमें भी और कोई लंबी एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पे। एनीवेज लंबी एग्जाम्पल ना भी हो, बट पॉइंट इज दैट ये हमने हर दफा जो है एक एक स्किप कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है वो पाइथन में लिस्ट में जो है स्किप कैसे करते हैं, पता है किसी को लिस्ट स्लाइसिंग में? सर स्टेप में प्लस टू दे देंगे बाय जी डिफॉल्ट भाई, वन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कूलर आपका हुआ, ठीक है। अच्छा तो अब वो तो एक काम, हमारा काम आसान हो गया, वो एक तो स्टेपिंग वाला हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो है दूसरा काम जो है हम लोग ने जो करना होगा वो ऑड इवन वाला चेक करना होगा, है ना, कि वो अपने इंडेक्स पे है कि नहीं है। तो वो वाला कैसे कर सकते हैं? सर मॉड्यूलस कर देंगे 2 पे। 2 पे मॉड्यूलस वाला भी बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल ठीक है। तो काम तो मेरे ख्याल में आसान लग रहा है, इतना भी मुश्किल काम तो नहीं लग रहा है ना। यस सर तो कोई है जो कोड लिख पाएगा? कोई है अल्लाह का बंदा या बंदी जो कोड लिख पाएगा फिर? सर अभी नो इतना सर, बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है, मतलब अच्छा अभी इतना बहादुर कोई नहीं हुआ है। कोर्ट तो अच्छा लिख लो सर, जुरत आप ही मेरे करें। हाँ दिमाग में चले एक वो, अलग ही अप्रोच आ रही थी, वो हाँ ये था कि जो एरे हमें मिल रहा है उसमें जरूरी तो नहीं कि ऑड इंडेक्स पे ऑड नंबर ही हो या इवन इंडेक्स पे इवन नंबर्स ही हो, वो तो आगे पीछे होंगे, हमें अरेंज करने होंगे, ऐसे ही है ना। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा ही, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो वो तो सबसे यहाँ पे पहले तो हम एग्जांपल ये में उसने करें दिया हुआ कि है, तो उसने ऐसे है, वो तो बाय लक किस तरह से हुआ हुआ है ना, बट एक्चुअली तो उसने, हमने तो ये काम करना है आगे। तो वो कह रहे हैं ना कि कंस्ट्रेंट्स में कि भाई 100 तक की लेंथ हो सकती है, सही है, और उसमें नंबर्स जो है वो 100 जितना बड़ा बड़ा हो सकता है। जी, तो हम पहले ये करें कि जो ऑड नंबर्स हैं और इवन नंबर्स हैं, सबसे पहले तो एरे में से वो दोनों अलग कर लें, ऑड सही अलग और है, बिल्कुल इवन अलग कर लें। उसके बाद फिर उन्हें जैसे सॉर्ट करना है जिस ऑर्डर में, वैसे सॉर्ट कर लें। उसके बाद फिर उनको मिलाने की कोई लॉजिक वगैरह देखें। तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी। बिल्कुल, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, और मेरा भी ऐसा ही सोल्यूशन है बिल्कुल, कि हम लोग को भाई क्या करना पड़ेगा कि पहले अलग अलग करना पड़ेगा उसको, ऑड को और इवन वालों को, सही ना। फिर बाद में उनको जब हम लोग बिठाएंगे अपनी अपनी जगह पे सही से,
तो वो ऑड और इवन के हिसाब से बिठा देंगे हम लोग को, ठीक है। तो बड़े वाले जो हैं वो मतलब जो बड़े वाले हैं ऑड वाले, जो बड़े से छोटे में जाने हैं वो सारे ऑड इंडेक्स पे आ जाएंगे, और जो छोटे से बड़े जाने हैं वो सारे इवन इंडेक्स पे आ जाएंगे। सही है भाई। तो यही काम जो है, जैसे अभी मेरे ख्याल कौन से शहजाद भाई थे, शहजाद भाई ने जैसे बोला तो यही वाला सीन उन्होंने पहले ये किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जिसको लिस्ट वो काम स्लाइसिंग आती कोड है, थोड़ा बड़ा कर दें प्लीज, क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये कोड का थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर दें प्लीज। मैं फॉन्ट साइज, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा? अच्छा अच्छा भाई, तो भाई सबसे पहले जो है हम लोग ने वही वाला चीज किया जैसे अभी शहजाद भाई की सजेशन थी, कि हम लोग ने ऑड वाले जो नंबर्स हैं उनको अलग उठा लिया। अलग कैसे उठा रहे हैं? ऑब्वियसली 1 से लेके हम लोग कर रहे हैं उसको एंड तक, और एक एक नंबर स्किप कर रहे हैं, स्किप करने के लिए 2 हो रहा है, सही है। और इवन जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं इसको यूं करके 0 से लेके एंड तक और एक एक नंबर स्किप कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा था सॉर्ट भी करना है भाई, तो सॉर्ट में जो है हम लोगों ने उसके ऊपर पहले ऑड वाले पे हम लोगों ने सॉर्टिंग लगा ली, और जो रिवर्स इक्वल टू ट्रू वाला ये जो होता है, ये वाला मामला हम लोग जब लिखते हैं जब हम लोगों ने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है, सही है। फिर इवन इंडेसेस को भी हमने इस तरह से सॉर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये तो 4 आसान से काम हो गए, सही है ना भाई। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद रखने, जिसको अगर नहीं आती है, कि जब आपने यहाँ अगर स्किप करवाना होता है आपने, तो आप यहाँ पे ये लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर 3 एलिमेंट स्किप कराना था तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता, मतलब 2 एलिमेंट स्किप कराने थे, सही है। तो हर तीसरा एलिमेंट उठाता, इसका मतलब ये है कि हर दूसरा एलिमेंट उठा रहे हैं यहाँ पे, सही है। फिर जो है हम लोग एंड में हम लोगों ने क्या किया कि अपनी एक, अच्छा ये वाला काम हम लोग को क्यों करना पड़ा हम लोग को, क्योंकि पहले हम लोग वहाँ पे वैल्यूज देंगे तो फिर हम उसके ऊपर रिप्लेस करवा सकते हैं, वरना अगर शुरू से हम लोग एक वो इनिशिएट करवाते तो उसके अंदर जो है ना हम लोग उसको, जिससे भी लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने वो कंकैटनेट वाला वो करवा रही थी ना, तो उसमें अगर कंकैटनेट कराएंगे तो जाके उसके साथ बस जुड़ जाएगा वो, अपनी ऑड इंडेक्स या इवन इंडेक्स के ऊपर जाके सही से बैठेगा नहीं, सही है। अच्छा, फिर अब बिठाते वक्त भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वही सेम चीज जैसे हमने यहाँ पे ऊपर किया था, कि पहली वाली इंडेक्स से लेके एंड तक और एक एक स्किप करना है। तो बिठाते वक्त भी हम लोग जो रिजल्ट वाली इंड है उसके ऊपर सेम उसी जगहों के ऊपर पहली वाली से लेके एंड तक और एक एक नंबर स्किप कर रहे हैं, हर दूसरी जगह पे बिठा रहे हैं, और वहां पे हम लोग ने अपने जो ऑड वाले हमने निकाले थे सॉर्ट सॉर्ट होने के बाद, सही है। तो जो ऑड वाले निकाले थे वो हमने वहां पे डाल दिए। अच्छा, ये वाला काम आप लोग को आता है ना करना भाई, कि बेसिकली अगर आपने कोई लिस्ट जो है जिसके साथ, जिसके अंदर आपने कोई वैल्यू के साथ आपको आपने उसको इनिशिएट करवाना है, मतलब आपने उसको स्टार्ट करवाना है, क्या कहते हैं उसको, पैदाइश देनी है उसको, इनिशियलाइज हाँ इनिशियलाइज तो वो अंग्रेजी में हो गया ना, बट उसका और आसान लफ्ज क्या होता है उसका, उसको जो है शुरू करवाना है, उसकी शुरुआत करवाना, इफ्तिताह करवाना है। तो जो है आप उसको बस 0 करके, ये एक मतलब ये एक नॉर्मल तरीका है करने का, सही है। आप जो है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, जैसे आपने किसी भी स्ट्रिंग को फॉर एग्जांपल बार बार रिपीट करवाना होता है तो उसको आप मल्टीप्लाई करके और फिर आगे उसका नंबर लिख देते हैं ना, तो उसी तरह हम लोग, ये स्ट्रिंग तो नहीं है ये नंबर है, बट लिस्ट के अंदर नंबर दे के, अब यहाँ पे मैं 1 लिख देता, 2 लिख देता या 5 लिख देता, जो भी लिख देता 0 की जगह, तो वो उतने टाइम जो है ना लिस्ट के अंदर वो वाली वैल्यूज डाल के मल्टीप्लाई पे जो भी मैं उसको नंबर दे रहा हूँ, तो नंबर जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो ऑब्वियसली जो हमारी हमको नंबर्स की लिस्ट इनपुट हुई हुई है, क्योंकि हम लोग ने नंबर्स की लिस्ट को तो नहीं छेड़ना ना, मतलब उसको तो वो नहीं करना, बड़ा छोटा तो नहीं करना, वही सेम रखना है हमने, तो उसकी लेंथ से मतलब जितने उसमें वो टोटल उसके नंबर्स हैं उसके अंदर उनसे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, और उतनी मैं वो एक रिजल्ट की लिस्ट बनवा रहा हूँ, सही है जी। फिर यही वाला जो है एक एक हर दूसरे जगह पे मैं ऑड बिठवा रहा हूँ और हर दूसरी जगह पे मैं इवन बिठवा रहा हूँ, और हो गया हमारा काम खत्म, सही है। तो बस इसमें जो बेसिक मोटी मोटी बात आपको याद रखने वाली है वो ये स्लाइसिंग वाला है।
स्लाइसिंग जो है जिसको कहते हैं, स्लाइसिंग का मतलब है कि उसको काटना, अलग अलग हिस्सों में काटते हैं उसको। तो जो लिस्ट को अलग अलग हिस्सों में काटने का जो तरीका है वो वाला आपको ये याद रखना है। सही है। तो डन हो गया ये वाली बात। ये सर आपने सबमिट किया है इसको? जी सर बिल्कुल। प्रॉब्लम अच्छा, ये प्रॉब्लम नंबर कौन सा ये बता दें। नंबर है ये जी 2164। सही है, सही है, थैंक यू। ये वैसे अच्छा पाइथन मैं में काफी कॉपी, आसान है ये। अभी हाँ वही ना, वही तो पाइथन में जो है मुझे काफी वो मेहनत करनी पड़ेगी। यही तो सीन है भाई। ये मैंने यही मैंने कहा कि भाई पाइथन का फायदा ये है कि उसमें जो है बड़ा इजीली हो सकता है, और मतलब चाहे आप उसको दूसरे तरीके से भी करें तो टाइम कम्प्लीट सॉर्ट तो आपको करना ही है। अब सॉर्ट करने के लिए अगर आप जो है कोई दूसरा बाइनरीज वाला वो लगाएं, मतलब कोई अलग अलग मेथड मर्ज सॉर्ट करें जो भी करें, तो पाइथन में वैसे भी जो है वो पीछे इसके मर्ज सॉर्ट ही हो रहा होता है, तो वो एन लॉग एन जो है इसकी वो टाइम कम्प्लेक्सिटी वाला मामला तो वो होगा ही होगा। सही है जी। तो इसकी वो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो एन लॉग एन है, और इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो भी वो ओ ऑफ एन है, क्योंकि हम लोग ने जो है इस वाली ये रिजल्ट बनाई जो कि उतनी ही बड़ी है जितने हमें इनपुट में नंबर्स मिले थे। ठीक है सर, कोड लाइन 15 एक्सप्लेन कर दें प्लीज। अच्छा 15, ये देखें जी सीन ये है कि मैं यहाँ पे मैं लिखता, फॉर एग्जांपल ये जीरो हटा देते हैं, यहाँ पे मैं लिखता जुनेरा। सही है, जुनेरा मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये क्या करता कि ये रिजल्ट की जो लिस्ट के अंदर है ना वो 10 दफा जुनेरा कर देता। मैं अब आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ओहो अच्छा भाई तुम सब जो बाकी रुक जाओ। ये देखें अगर नजर आ रहा है आपको जुनेरा, ये देखें इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दफा इसने जो है जुनेरा प्रिंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब मैं इसको जीरो कर देता हूँ, जीरो कर दिया मैंने। ठीक है, और हमारे पास लेंथ ऑफ नंबर्स जो है यहाँ पे टेस्ट केस में फॉर एग्जांपल क्या है भाई, 1 2 3 4, फोर हमारे पास लेंथ है नंबर्स की। तो अच्छा अब जो है क्या मसला है, ऊपर भी नहीं कह रहा। अच्छा सही है। अच्छा वो रॉन्ग आंसर वो दिखाएगा ना उसमें चैनल डाउट में, हाँ ये दिखा रहा है। ये देखें भाई उसने क्या किया, 4 दफा उसने 0 0 0 डाल दिया रिजल्ट वाली लिस्ट में। सही है। तो जब आपने कभी भी आपने ये करना हो कोई किसी भी किस्म का क्वेश्चन आएगा आगे, तो उसके अंदर जब भी आपने कोई लिस्ट के अंदर जो है आपने पहले से एक लिस्ट बना के और आपने उसके अलग अलग इंडेक्स पे अलग अलग पोजीशंस के ऊपर आपने कोई ऑपरेशन मतलब कोई काम परफॉर्म करना हो, कोई चेंज करना हो, कोई रिप्लेस करना हो, बट ये के एक नई लिस्ट के ऊपर बना के और उसकी पोजीशंस के ऊपर मतलब उसके इंडेक्सेस के ऊपर। सही है, तो तब आपको ये वाला काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं। जी सर, लगे समझ। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। सही है। तालियां भाई तालियां, 78.32%, क्या हो रहा तो रिजल्ट, जी। एक्सक्यूज मी सर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी? टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी होगी ओ ऑफ एन, बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे रिजल्ट की एक सबसे बड़ा जो हमारा सबसे मतलब मेमोरी कंजम्पशन वाला हमारा जो काम है बेसिकली वो यहाँ पे ये वाला है जो रिजल्ट की हमने लिस्ट बनाई। तो अब अगर जो है हमारे जो क्योंकि रिजल्ट की हम लोग लिस्ट बना रहे हैं बराबर जितनी हमारी इनपुट ऑफ नंबर्स आ रही है, इनपुट ऑफ नंबर्स जो थी हमारे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये थी। सही है, तो यहाँ अभी तो फिलहाल 4 नंबर हैं सिर्फ,
सही है, बट अगर ये 4000 नंबर भी होते तो फिर हमारी रिजल्ट की जो थी वो 0 मल्टीप्लाई बाय 4000 होती, और उसमें 4000 दफा जीरो आते। तो इसलिए जो है जो जगह उसने मेमोरी में ली है कंप्यूटर की वो ऑफ एन होगी, एन बीइंग द लेंथ और द काउंट और द साइज ऑफ हमारी जो भी इनपुट की नम्स अरे है। सही है, मीन्स कि अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते तो अगर वन क्या से चीज मल्टीप्लाई करते होगी? फिर तो कांस्टेंट टाइम हो जाता ना भाई। क्योंकि बात यह है कि फिर तो हम लोग उसके वो फिर तो वो हमारा इनपुट जो भी आ रही है लेंथ उसके। नम्स जी नहीं, लेंथ नम्स जी को नहीं, ये जो जीरो इंडेक्स दिया है इसका 1 इंडेक्स देते तो जी, यहाँ पे अगर यहाँ की बात करिए, यहीं की बात है। यहाँ पे अगर वन देते तो वन देने से जो है फर्क कोई नहीं पड़ना था, क्योंकि उसने उसकी जगह रिप्लेस ही हो जाना था उसने, फिर भी तो वो भी मसला नहीं है। चले 10 दे देते हैं, सही है ना, 10 दे दिया हमने। अब देख लेते हैं भाई, ये देखें फर्क कोई नहीं पड़ा उसको, क्योंकि उसने रिप्लेस, हम लोग तो अल्टीमेटली रिप्लेस ही कर रहे हैं ना उसको। बट जो जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें ये काम करना क्यों पड़ रहा है, वो इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज हम लोग स्पेसिफिक इंडेक्स स्पेसिफिक पोजीशंस पे हम लोग वो चीज़ डालना चाह रहे हैं। सही है, तो वो पोजीशंस पहले से अगर नहीं होंगी तो उनके ऊपर हम लोग वो चीज़ नहीं डाल सकेंगे, तो वो पोजीशंस को पहले से ही तैयार रखने के लिए जो है हम लोग ने ये वाला काम किया है। सही है ना भाई, मतलब कि बिल्कुल वो घर 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 जो है ना, घर के जैसे खाली प्लॉट होते हैं ना भाई, आपने वहाँ पे घर बनवाना है तो पहले से खाली प्लॉट होंगे कोई, तो फिर उस पर आप घर बनाएंगे। आप बोलेंगे मैंने गली नंबर 4 के प्लॉट नंबर 6 के ऊपर मैंने घर बनाना है, तो वो पहले से वहां पे वो होगा तो फिर आप घर बनाएंगे ना, तो वो वाला अस्सलाम सिस्टम होगा। वालेकुम। बेहतर बनाने के लिए नंबर थोड़ी सी आई थिंक स्पेस हाँ ज़्यादा लेता है, बुलियन कम लेता है ना सी में, तो जी, अगर हाँ जी, बुलियन लिख दें यहाँ पर ट्रू या फॉल्स लिख दें तो वो थोड़ी कम जगह नहीं लेगा फिल करने के हाँ लिए? पे 10 की जगह पे जी, नहीं, वो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, वो तो मैं चले नन लिख देता हूँ फिलहाल, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। वो ये तो भाई एक आर्बिट्री, मतलब ये तो एक वो है ना, एक गैर जरूरी वो करें, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इसका जो नंबर इसमें जो भी पड़ा वो उससे हमें लेना देना नहीं है। हम लोग तो इसकी पोजीशन पे जो भी होगा हम उसको हम लोग वैसे ही रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे लेकिन पूरी फिर पूरी भी उसमें अगर रिप्लेस कर रहे हैं ना। जैसे जीरो है जी वो जी जैसे 8 बिट लेता है आई थिंक हाँ जो नंबर है, और बुलियन 1 बिट लेता है, तो अगर 4000 का इनपुट आया हमारे पास, इतना लंबा हम एरे बना रहे हैं नंबर्स का, तो ठीक वो है, मैं मेमोरी आपकी वो में बात ज़्यादा समझ जगह गया, आपकी लेगा। वो बात समझ गया। इनिशियली तो वो वाली चीज आपकी सही है, इनिशियली जो चले उसने कम मेमोरी ले ली उसमें, बट फिर जब हम लोग बाद में हम लोग जब ये डालेंगे वापस नंबर्स ये वाले अपने सारे तो वो जगह तो उन्होंने उनकी ले ली ना, तो बात तो वही हो गई, मेमोरी में वही चीज तो फिर बैठ रही है ना। समझिए सही है जी, ओके आई थिंक 7 मिनट रह गए हैं, किसी और का कोई सवाल शवाल है तो फेंकें। एम आई ऑडिबल? नहीं जी, आप ऑडिबल नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन लिटिल बिट। हम लोगों ने ये, मैंने क्लास तो लेट ज्वाइन किया है, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे थोड़ा सा साथ साथ क्लियर करते जाएं कि हम लोगों ने पहले इसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स किए हैं या वी आर जस्ट यूजिंग दी बिल्ट इन सॉर्टिंग एल्गोरिदम? नहीं, एल्गोरिथम हमने नहीं लगाया बिकॉज सॉर्टिंग हमको अल्टीमेटली करनी पड़ रही है, बिकॉज उसने हमको कहा है कि सॉर्ट करना है हमने। सही है, तो अब चाहे हम लोग वो कोई अलग अलग पॉइंटर्स लगा के सबसे बेस्ट वाला मर्ज सॉर्ट भी करें या सिलेक्शन सॉर्ट करें, जो भी करें, तो वो तो एन लॉग एन वाला मामला होना ही है। ठीक है, तो इसलिए पाइथन वाला जो बाय डिफॉल्ट सॉर्ट होता है वो एन लॉग एन ही है, तो हमने वो वाला लगा दिया है। तो इसमें जो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा हैवी है इसमें, वो यही वाले दोनों चीजें ले रहे हैं, तो ये एन लॉग एन प्लस एन लॉग एन, जिसको आप एन लॉग एन ही कह लें अल्टीमेटली। ठीक है, हम लोग जो है फॉर्मल इंटरव्यूज में होता है, जैसे लेट्स से कि एग्जामिनर, सॉरी एग्जामिनर नहीं, इंटरव्यूअर ने ये कहा कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन आपने लेट से कि बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट जो है उसके थ्रू आपने सॉल्व करना है, आपने बिल्ट इन, या फिर उसने कंडीशन दे दी कि आपने बिल्ट इन सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज नहीं करना उस लैंग्वेज का, तो फिर उस सिनेरियो में क्या कैसे हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन? तो उस सिनेरियो में तो फिर हमें उसके वाइल लूप लगाना लिए पड़ेंगे। जी जी आप बोले।
उसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को ना सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं, मतलब एक इंटरव्यू में, इंटरव्यू के हद तक ये पूछे जा सकें कि आप जो है विफला एल्गोरिदम लगाकर इसको सॉल्व करें। जो हम लोग नॉर्मल बात करते हैं कि हमें कभी कोड करते हुए किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वो कहें कि आप स्पेसिफिकली कोई एल्गोरिदम, फॉर एग्जांपल बबल सॉर्ट की अगर हम बात करते हैं, तो उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है इस जो बिल्ट इन सॉर्टिंग एल्गोरिदम है उससे बहुत हाई है। तो हाईली लाइकली चांस है कि हमें कभी भी बबल सॉर्ट इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा इन और जॉब। लेकिन जब हम लोग इंटरव्यू देंगे ना, उसमें हमें, हम पे रिकमेंडेशन इम्पोज की जा सकती है, आपने फलां सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाएं और या फिर बिल्ट इन सॉर्टिंग एल्गोरिदम आपने यूज नहीं करना। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास, हमें सॉर्टिंग हर तरह की क्लियर होनी चाहिए। सही कह रहे हैं, तो बोले तो कल नेक्स्ट कर टाइम देते हैं कोई सॉर्टिंग वाला। बिल्कुल मैं आप लोगों को सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स करवाती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए। अभी हम, हमारे पास कुछ टाइम है तो हम लोग अपना बिल्ड करते हैं सॉर्टिंग का, एक बैकग्राउंड बिल्ड करते हैं। हमारे पास सॉर्टिंग बेसिकली होती क्या है, कोई भी अनसॉर्टेड अरे होगी। फॉर एग्जांपल आप इनपुट में देखें, इनपुट में लिखा हुआ है 4 1 2 3, तो आप ये देखिए किस, ये एक अनसॉर्टेड अरे है, मतलब ये इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है। सॉर्ट का मतलब होता है किसी ऑर्डर को फॉलो करना। कैसा कैसा ऑर्डर हो सकता है, या असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, या दूसरे लफ्जों में या इंक्रीजिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं या डिक्रीजिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब है 1 2 3 4 5, और डिक्रीजिंग का मतलब है 5 3 2, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो हम लोगों ने ये अपना, ये जो दोनों ऑर्डर हैं, हम अब देखेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे। आज हम बबल सॉर्ट की बात करते हैं, जितना ये भी टाइम है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि बबल सॉर्ट कैसे वर्क करता है। बबल सॉर्ट जो है, आप इमेजिन करें कि आपने एक, ये कॉन्सेप्ट जो बबल है ये कहाँ से जनरेट हुआ हुआ है। जैसे आपने किसी पैन में पानी रखा और उसको बॉयल करने के लिए रख दिया, जैसे जैसे जो है वो छोटे, पानी में बॉयल होना शुरू होगा, छोटे छोटे बबल्स पहले बनना शुरू होंगे, और जैसे ही बड़े बड़े बबल्स बनना शुरू हो गए तो वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। जितना बड़ा बबल बनेगा वो पानी जो है उसके थ्रू इवेपोरेट हो जाएगा। छोटे बबल्स के थ्रू नहीं, लेकिन बड़े बबल्स के थ्रू इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट बबल सॉर्ट में यूज हुआ हुआ है। कैसे, कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अरे गिवन होगी, हम उसमें से सबसे बड़े वाला एलिमेंट, मैं ना एनोटेशन लेती हूँ फ्री ताकि आपको, ले लें। अच्छा ठीक है। हमारे पास तब तक, क्योंकि टाइम भी कम है, तो हम लोग, मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। हमारे पास है क्या, हम लोगों ने अपना जो भी एलिमेंट होगा उसमें से सबसे बड़े वाला एलिमेंट, जैसे बबल सॉर्ट में सबसे बड़े वाला बड़े वाला बबल जो है वो पहले एवेपोरेट होता है, इसी तरह हम लोग जो है वो सबसे बड़े वाला एलिमेंट जो है उसको अपने साथ वाले एलिमेंट के साथ जो है वो रिप्लेस करते जाएंगे, यानी स्वैप करते जाएंगे, और फिर एट दी एंड जो है वो बड़े वाला एलिमेंट बिल्कुल लास्ट तक हम उसे स्वैप करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मेरा व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है ना, यस मैम, अगर हमारे पास लेट्स से कि एक एक अरे है 5, मुझे तो ये आप लोगों को, लेट मी जस्ट, मुझे इस पे लिखना भी नहीं आता, मुझे इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, मैंने बहुत कम यूज किया। कहाँ से इसकी टूल्स हैं, किसी को पता है तो मुझे बताइए। क्या चीज पूछ रही है? इसके टूल्स कहाँ से शो होते हैं, पता नहीं। तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा चले,
तो हम बात जो कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि हमारे पास लेट से कि एक अरे है, मैं इसको स्टॉप करती हूँ। पेंट खोल लेना, जो सबसे बचपन से जो आता है, पेंट खोल लें। हाँ वही करने लगी, ऊपर बस 1 मिनट रुके। टाइम कितना रहता, टाइम भी हो गया, लेकिन चले मैं वैसे ही एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अरे में 5 4 3 1 2 है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको कैसे करना है, सबसे बड़े वाले एलिमेंट को 7 वाले के साथ स्वैप करना है, 5 का 4 के साथ कंपैरिजन करना है कि बड़ा कौन सा है। 5 डेफिनेटली बड़ा है, 4 छोटा, तो 5 और 4 को स्वैप कर देंगे। नेक्स्ट टर्न में जाएंगे तो हम 5 और 3 का कंपैरिजन करेंगे और फिर उसको स्वैप कर देंगे। ये मैं आप लोगों को ये कल जो है वो प्रॉपर एनोटेशन के साथ और प्रॉपर एग्जांपल सॉल्व करने के साथ हम ये कोड करेंगे, ताकि हम लोगों को सॉर्टिंग जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। हम लोगों को ये सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आने चाहिए, ठीक है। तो जब तक अभी, वैसे तो जब तक अभी चल रहा है ये, लेट्स स्टार्ट। अभी आई गेस नेक्स्ट क्लास तो अभी शुरू नहीं हुई, अच्छा अभी आपको ये नजर आ रहा है, यस ठीक मैम, है। यहाँ पे देखें हमारे पास लेट्स से के 5, कोई भी अरे लिखवाएं आप, 5 4 3 1 3 6, और लेट्स से कि हमारे पास है 6 एंड 2, ठीक है। हम लोगों ने अगर इसको स्वैप करना हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहला लूप लगाएंगे और कंपैरिजन करेंगे 5 और 4 को, कंपेयर करेंगे आपस में, 5 और 4 में से बड़ा कौन सा है 5, तो हम लोग रिप्लेस करके नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट जो है वो इसको लिखेंगे, रिप्लेस हो गया तो नेक्स्ट अरे मॉडिफाई हो जाएगी और हो जाएगी 4 5, पहली इटरेशन की बात कर रही हूँ, 5 4 3 6 और 2। बस हम लोगों ने क्या किया, पूरे लूप में पहले नंबर को, पहले इन दोनों को कंपेयर किया, उसके बाद दोबारा से लूप चलेगा और आप इस दफा कंपैरिजन किस किसका होगा, 5 और 3 का। 4 तो अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, ठीक है, 4 अपनी जगह पे वैसे ही रहा, और 5 और 3 में से बिगर कौन सा है 5, तो ये 3 के साथ स्वैप कर लेगा खुद को, और उसके बाद जो है बाकी की अरे वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट आइट्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कंपेरिजन करेंगे इन दो एलिमेंट्स का, ठीक है। जो हम पहला एलिमेंट पिक किया करेंगे और उसको अपने एडजेसेंट एलिमेंट के साथ जो है वो कंपेयर करना शुरू कर देंगे। अब 5 और 6 जो है, इसमें से कौन सा एलिमेंट बड़ा है, हमारे पास 6 ही बड़ा है, तो हम अब इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अगर तो बड़ा हुआ तो रिप्लेस करेंगे, अदरवाइज रिप्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइटरेशन में हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास कंपैरिजन होगा 6 और 2 का, ठीक है। तो हमारे पास न्यू एलिमेंट क्या आया, न्यू अरे जो फॉर्म हो गई इस आइटरेशन के बाद, इस पूरे लूप के बाद, वो हमारे पास हुई ये, यानी हमारे पास जो निकल के जो सबसे बड़ा एलिमेंट था, उसने अपनी जगह जो है वो स्वैप करके लास्ट तक ले आया। ये बात इतनी क्लियर है आपको? यस मैम, यस मैम, इट इज अच्छा क्लियर। ठीक है। अब ये लूप जो है अब नेक्स्ट टाइम चलेगा, नेक्स्ट टाइम चलेगा, और नेक्स्ट अब हमारे पास जो मॉडिफाइड अरे है वो ये आ चुकी है हमारे पास 4 3 5 2 और 6। अब हम लोग जो है वो अब पहले दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, जो भी बड़ा होगा उसे हम नेक्स्ट रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास 4 और 3 में से कौन सा बड़ा है,
4, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे स्वैप, और उसके बाद रिमेनिंग अरे जो है वो उसी तरह रहेगी। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में सेकेंड एलिमेंट का उससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ कंपैरिजन होगा, तो हमारे पास 3 3 4, नहीं बिगर कौन सा था, 5, 4 क्या था, स्मॉल था, तो चेंज नहीं होगा, बाकी अरे जो है हमारे पास उसी तरह रहेगी। और 6, उसके बाद हम नेक्स्ट आइट्रेशन आई, तो अब हमारे पास डेफिनेटली हमें पता है हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो हमारे पास दोनों का कंपैरिजन में हमारे